इतनी बुरी हैंडराइटिंग और किसकी हो सकती है? केशु, केशु आया। मेरी माँ गई, चलो फिर से ना लेता हूँ। केशु, मेरी माँ का खत आया है और वो आज गांव से आ रही है। यहाँ आ रही? क्यों, बंबई में बीमारियों की कमी है क्या? मजाक मत करो और उन्हें जाकर रिसीव करो। अरे वाह, लेकिन वो भैंसों का तबेला छोड़ के यहाँ क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने ही उसे बुलाया है। तो फिर तुम जाओ रिसीव करने के लिए। तुम क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। तुम्हारी कोई नहीं है। मेरी? मेरी तो वो सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर मतलब क्या पता है? पिछली बार आई थी तब नहाने के लिए भी मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। वो सब छोड़ो और ये मत भूलो कि मैं भी तुम्हारी बीमार माँ को एक बार लेने गई थी। हाँ, तो तुम्हारी माँ को बीमार होने दो, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। डॉल, बोलो प्रेमा क्या बात है? तुम स्टेशन जाने के लिए तैयार नहीं हुए अभी तक? मैं रेडी हूँ, बस जरा ये परफ्यूम लगा लूँ। परफ्यूम? मेरे डैडी को रिसीव करने के लिए तुम्हें परफ्यूम लगाने की क्या जरूरत है? मैं ये परफ्यूम तुम्हारे डैडी के लिए नहीं लगा रहा हूँ। तो ये मैं अपने लिए लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डैडी फॉरेस्ट ऑफिसर है ना, तो उनके कपड़ों में से हमेशा गंदे गंदे जानवरों की गंदी बास आती रहती है। तो तुम्हें बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन लेना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि उनके हाथ में हमेशा बंदूक रहती है, इसलिए। मैं उनकी बंदूक से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि पिछले साल उन्होंने चूहा मारने के लिए अपनी बंदूक चलाई थी, था तो एक उड़ता हुआ कबूतर मर गया था। ठू। डैडी को आने दो, तुम्हारी ऐसी शिकायत लगाऊंगी कि वेट अ मिनट, ये मेरी परफ्यूम है, ओनली फॉर लेडीज एंड जेंटलमैन। चिंटू बेटे, क्या खा रहे हो तुम? देख लीजिए, सेब खाया हूँ। अरे वाह, सेब खा रहे? कौन, मम्मी लाई? नहीं, नानी माँ लाई। नानी माँ? यानी कि सारे जहाँ की मुसीबत घर में पहुँच गई? और अन्य मम्मी के साथ कुकी पूजो करेंगे। सी। मैं उन्हें बुलाऊँ? नहीं नहीं नहीं, तुम सेब खाओ, हाँ, पांच छह खा लेना, ओके? गुड बॉय। हेलो, प्रेमा जी घर पे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं केशव कुलकर्णी बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रहे हो? मैं शेर सिंह। लगता है प्रेमा जी ने गुरखा रख लिया है। अरे गुरखा, शर्म नहीं आती, फोन उठाते हो? जाओ प्रेमा जी को फोन दो। मैं प्रेमा का बाप बोल रहा हूँ। डर गया साला। किसका फोन था दया जी? कोई कुलकर्णी था। ओह, केशव जी होंगे। केशव? ये कौन है? ये चहेते हैं इनके दिल, हमेशा लाइन मारते रहते हैं इनके ऊपर। डैडी डोंट बिलीव हिम, तुम उनकी बीवी पर लाइन नहीं मारते क्या? मैं क्या मारता हूँ? तुम लाइन मारती हो उसके ऊपर। दिल, तुम यू हेलो हेलो प्रेमा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केशव जी। देखिए 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 डैड, फिर वही केशव रोमियो का फोन है। यस केशव जी, मेरे डैडी आए हैं। अरे बाप रे, क्या आवाज पाई है, मुझे तो लगा कोई डाकू की आवाज है। यू नो, ऐसी आवाज मैंने सिर्फ फिल्मों में सुनी। प्रेमा जी, उनकी आवाज सुनकर तो मुझे लगा कोई बड़ी बड़ी मूंछों वाला डरावनी शक्ल का कोई खड्डूस बूढ़ा होगा। किसी और के डैडी तो आपके घर में नहीं आ गए ना? मजाक कर रहा हूँ। लेकिन आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ओहो, आई अंडरस्टैंड, डैडी नजदीक में खड़े हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। एक काम कीजिए ना, आप बालकनी में आ जाइए, वहीं आराम से बातें करेंगे। हाँ, आओ बालकनी में, मैं तुम्हें जरा देख तो लूं।
सासू जी आप हैं? मुझे तो लगा मेरे पीछे भैंसों का झुंड लग गया है। पाए लागू सासू माँ, पाए लागू। ठीक है ठीक है। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। गांव में सब आपकी गाय भैंसे सब कैसी हैं? सब ठीक है, सब तुम्हें याद करती हैं। मेरे एक बात बताओ, बालकनी में क्यों जा रहे थे? मैं देखने जा रहा था कहीं आप बालकनी से नीचे तो नहीं गिर गए। वो अप्सरा कौन है जिसके ऊपर तुम सुबह शाम डोरे डालते हो? माँ उसका नाम प्रेमा शालिनी है। प्रेमा शालिनी? प्रेमा शालिनी? हाँ, दो दो नाम है। फिर बालकनी में आ गए? खबरदार जो आइंदा बालकनी में आए तो। यस बाका, ये क्या बात कर रहे हो? क्या बता रहे हो? मैं प्रेमा जी, प्रेमा जी घर पर हैं, वो सो रही हैं। अच्छा, इतनी जल्दी सो गई? अच्छी है, बंदूक अच्छी है। अच्छा सर, नमस्ते। नहीं, एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, नाम क्या है? याद कर रहा हूँ सर, ABCD के केशव कुलकर्णी। कुलकर्णी? तो तुम हो केशव कुलकर्णी? जी। अभी थोड़ी देर पहले तुमने फोन किया था? नहीं, मैंने फोन नहीं किया। सुन मत बोलो, मैंने बड़े बड़े जानवर को ठिकाने लगा दिया। अच्छा, तुम किस जंगल की चिड़िया हो? लेकिन सर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? मेरी आवाज डाकू जैसी है? नहीं नहीं, अरे आपकी आवाज तो मधुर है, सिंगर जैसी। मेरी शक्ल डरावनी है? नहीं सर, किसने कहा? अरे आप तो हैंडसम लग रहे हैं। मैं खड़ूस बूढ़ा हूँ? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, आप तो जवान हैं, मुझसे भी ज्यादा। अचानक मैं जवान हो गया? तुमसे भी ज्यादा? यस। क्यों? अब ये आपके हाथ में बंदूक है ना, इसलिए सर। प्रेमा जी बचाइए। चुप रहो प्रेमा, यही आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा था ना? नहीं सर, प्रेमा जी बचाइए। सॉरी, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। प्रेमा जी कुछ कीजिए। आप भागो, केशव जी आप भागो। मैं भाग जाऊं? गुड आइडिया सर, मैं भाग जाता हूं। ओके। चाची, ये आप क्या कर रहे थे? मैंने उसे ऐसे ही डरा दिया। क्या मतलब? इसमें गोली कहां थी? मम्मी मम्मी, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। शायद एक ही गोली। गोखले गोखले मेरे दोस्त, मेरी लाइफ उजड़ गई है यार। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मेरी सास को भगाया कैसे जाए। हाँ लेकिन केशव, वो एग्जैक्टली करती है क्या? अरे यार, मुझ पर पहरा देती है। जब से वो मां माया आई है, प्रेमा जी से मिलना मुश्किल हो गया। यू नो, मेरे साथ साथ मेरी बालकनी भी उजड़ गई है गोखले। बिल्कुल आसान है केशव, तुम उसके घर पे चले जाओ। अरे गया था, प्रेमा जी के घर पर गया था, लेकिन वहां उसका बाप आया हुआ है, इतनी बड़ी बंदूक लेकर घूमता। वहां बाप यहां सास, वहां बाप यहां सास। केशव आइडिया? यस। फिर से? एक बार नहीं गोखले, नहीं एक बार नहीं गोखले, एक चांस। चिंटू आओ, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं। नानी माँ जरा देख कर बैठिएगा, ऊपर एक बहुत बड़ा कौवा बैठा है। कौवा? वो बहुत बड़ा कौवा? जी, कुछ आपने मुझसे कहा? जी नहीं, मैं तो वो कौवे के बारे में कह रही। कहा? वो क्या? खुश मर गया। आप कोकी की बड़ी बहन है ना? नहीं नहीं, ये तो मेरी नानी माँ है, मेरी मम्मी की मम्मी है। चिंटू बड़ों के बीच में नहीं बुला करते। लगता तो नहीं है। वैसे आपकी क्या उम्र होगी? यही 45। नानी माँ कल तो आपकी उम्र 50 थी ना? तो बोला ना, बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। बेटा चाकू बार खाओगे? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही चले जाऊंगा। नानी माँ मैं घूमने जाता हूँ। तो आपका भांजा बड़ा होशियार है। भांजा नहीं, नवासा जी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप
नानी हो सकती है। सच। वैसे आपका शुभ नाम? मेरा नाम शेर सिंह, कैप्टन शेर सिंह, फॉरेस्ट ऑफिसर। तो आप जानवरों के बीच में रहते हैं? क्या तभी तो जिंदा हूँ। भानुमती। कितना सुंदर, कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल आपको फिट। वैसे आप बम्बई में कितने दिन रहने वाले? जी आया तो था 2 दिन के लिए, लेकिन आप सोचता हूँ कि मुझे और कुछ दिन ठहरना पड़ेगा। और आप? कैप्टन, मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त बद्री प्रसाद। बद्री, कितने अरसों के बाद मिले हैं। भाभी जी, ओहो भाभी जी भी है साथ में। भाभी जी बिल्कुल वैसी की वैसी है, बीच में सुना था गुजर गई। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं जरा जल्दी में हूँ। वैसे कहाँ उतरे हो? अपनी लड़की के यहाँ। अपनी लड़की प्रीति? प्रेमा शालिनी। अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। अरे अब तो वो बड़ी मशहूर फिल्म स्टार बन गई है। आऊंगा कभी चाय पीने भाभी जी, चलता हूँ। नमस्ते भाभी जी। किशो, क्या हुआ तुम्हें? क्यों हंस रहे हो? अरे कुकी, मैंने एक सपना देखा। कैसा सपना? अरे तुम्हारी माँ, तुम्हें बुरा लगेगा। ओ माय गॉड, तुम्हारी बात अधूरी मत छोड़ो। मेरी माँ को क्या हुआ? अरे तुम्हारी माँ, वो प्रेमाशालिनी के डैडी के साथ कहीं भाग गई। कुछ भी बकते हो तुम। अरे सपना कुकी, सपने में तो कोई कुछ भी कर सकता है यार। चुप करो तुम, मेरी माँ सपने में भी ऐसा नहीं कर सकती। anyway, अच्छा इस वक्त क्या बजे? 5:30 बज रहे। यू नो कोकी, सवेरे 5:30 बजे देखे हुए सपने हमेशा सच होते हैं। जाओ जाकर देखो तुम्हारी माँ हमारे तबेले में है या नहीं। मेरी माँ कमरे में सो रही है, अब तुम चुप करके सो जाओ और वो चश्मा निकालो। सास ने क्या लिखा है वो तो पढ़ो। डर लगता है। डर लगता है।
सारी दुनिया को डराने वाली को डर लगता है। मुबारक हो। किस लिए? बहुत ही जल्दी तुम्हें नया ससुर मिलने वाला है। हेलो चिंटू, तुम्हारी नानी माँ कहाँ है? नानी माँ क्या है? पड़ोस वाले दादाजी का फोन है। चिंटू बेटे, तुम्हें पिंकी खेलने को बुला रही है ना, जाओ जाओ। हेलो। क्या बात है, चिट्ठी का जवाब नहीं मिला? जवाब तो नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, बगीचे में तो आ रही हो ना? डर लगता है। एक काम करो, मेरे घर आ जाओ, बेटी और दामाद दोनों बाहर हैं, अच्छा मौका है। मैं तुम्हें फैमिली एल्बम दिखाऊंगा। देखती हूँ, सोचती हूँ। चलो केशव, थोड़ा काम कल के लिए भी रख दो। अभी ये पिछले हफ्ते का कर रहा हूँ। हेलो 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 केशु, मैं बोल रही हूँ। कौन? मैं बोल रही हूँ। केशु, मैं कोकी बोल रही हूँ। कोकी? ओह कोकी मेरी बीवी। हाँ बोलो कोकीला। केशु, माँ दोपहर से गायब है। व्हाट? माँ गायब? मैं शॉपिंग करने गई थी, घर आकर देखा तो उसका कोई पता ही नहीं। हाँ कोकी, एक काम करो, चिंटू से पूछो, उसे पता होगा। चिंटू को भी पूछा, उसे भी नहीं पता। कोकी तो एक काम करो, अपना वो पास वाला बगीचा है ना, वहाँ जाकर देखो, मिल जाएगी। केशु, मैं वहाँ जाकर देख कर आई, वहाँ वहाँ पर भी नहीं है। तो फिर भूल जाओ ना, जल्दी घर आ जाओ। अच्छा अच्छा, आ जाता हूँ। गोखले, सासू जी गायब। अभी कैप्टन ने उसे घर पे तो नहीं बुला लिया? मैं 21 साल का। अच्छा, तब भी और अब भी क्या फर्क बताओ? मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता। नहीं आ रहा है ना? नहीं, जानती हो क्यों? क्यों? जब से तुम्हें देखा दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, और मैं 21 साल का हो गया। मालूम, मैं भी अपने आप को 18 साल की समझने लगी। सच्ची? नहीं। अच्छा अच्छा, कहाँ जाती है ये माँ? कोकी, मैं आ गया। केशु, माँ का अभी तक पता नहीं है। ओह हो, डोंट वरी, एक दो दिन में मिल जाएगी। तुमने सब जगह भी चेक किया? हाँ, सब जगह जाके देख के आई। चिंटू कहाँ है? नीचे खेलने गया है बाबा। मम्मी। हाँ चिंटू, बेटे तुमने नानी माँ को देखा है? नहीं। ओहो, तो कोकी अब तो एक ही जगह बाकी रहती है। कौन सी? वो सामने वाला जो तबेला है, वहाँ जाकर चेक करते हैं। चलो। ओके चिंटू, ठीक तरह से याद करो बेटे, नानी माँ से कोई मिलने आया था? नहीं, एक टेलीफोन आया था। टेलीफोन? किसका? पड़ोस वाले दादाजी का। मेरा दोस्त, बचपन का शर्मा। सुनिए, बस अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि कुकी के आने का वक्त हो गया। वो लोग क्या सोचेंगे, मेरा दामाद मेरे बारे में क्या सोचेगा? कहो तो फोन कर दूँ मैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना। अच्छा, मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। ये कौन आया? भाभी जी, नीचे से जा रहा था, सोचा भाभी के हाथ की गर्मा गर्म कॉफी पी के जाओ। चलिए भाभी, हो जाए। अरे आप इसको कह तो नहीं देते कि मैं भाभी नहीं हूँ। समझा करो बात को, कहते क्या कह रही है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं करे, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ। जा जानकी, जाकर दो कप कॉफी बना लाओ। मैं घर जा रही हूँ। नहीं प्लीज संभाल लो। तो फिर आप इसकी गलत फहमी दूर क्यों नहीं करते? अरे ये कप कॉफी पी के चला जाएगा खुद ही। प्लीज जानकी, जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या कह रहे थी? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। और सुना बद्री? डैडी आ गए। आओ बेटी। कैसी हो बेटी? बेटी बेटी, ये मेरे 25 साल पुराने दोस्त मिस्टर बद्री। क्या नाम, क्या बताया? बद्री। बंदरी? एनी रिलेशन टू लंगूर? अच्छा, बिंदी नहीं है? हाँ, तुम्हें याद है बेटी, हम तुम्हारे डैडी और मम्मी के शादी में मिले थे। मिले थे, मुझे याद है। दिल, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों, तब तुम्हें पैदा भी नहीं हुई थी। मजाक किया मैंने। वैसे तुम्हारे मम्मी और डैडी को 25 साल के बाद मैं कल पहली बार मिला। दिल, डॉल कहाँ? बगीचे में। वैसे तुम्हारी मम्मी का डियर डॉल बिल्कुल वैसा का वैसा है। डियर डॉल? मेरी मम्मी को गुजरे तो 10 साल हो गए। मोर देन दैट। फिर अंदर कॉफी कौन बना रहा है? मेरी मम्मी?
अंदर कॉफी, मेरे होटल में, मेरे किचन में कॉफी, लेट्स सी। ये क्या बात है, प्रेमा बिटिया मम्मी का नाम सुनकर चौंक क्यों गई? कुछ नहीं, ये तो उसकी आदत है। क्या बात कर रहे हैं आप, अंदर तो कोई भी नहीं है। ये हो ही नहीं सकता है, आओ कैप्टन देखते हैं। कैप्टन देखते हैं। डैडी, दिल ने कहा ना कोई नहीं है, हमने देखा है कोई नहीं है वहाँ। लेकिन बिटिया मैंने मेरी आंखों से देखा है भाभी जी को कॉफी बनाने जाते हुए। भाभी जी, डैडी, आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो बेटी, 10 साल से तुम्हारी माँ मेरे साथ साये की तरह रहती है। तो फिर वो कौन थी, उसकी प्रेतात्मा? डॉल, कम ऑन, होश में आओ। अरे प्रेतात्मा कुछ नहीं होती डॉल। प्रेमा जी, मेरी माँ मतलब कोकी की माँ यहाँ आई है। केशव जी, मैं अपनी माँ की चिंता में फंसी हूँ, यहाँ आप अपनी माँ के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कहा था ना, मेरी माँ यहाँ आ ही नहीं सकती। ओके। वो देखिए, नानी माँ की चप्पल।